देश में सुरक्षा चाक चौबंद रहे और कोई भी अराजक तत्व देश के लोगों को चूना भी ना लगा सके, इस बात का सारा दामोदार कम से कम एयरपोर्ट पर कस्टम के इन अधिकारियों पर होता है, जो अपनी मुस्तैदी से शातिर स्मगलर को पकड़ ही लेते हैं। आपने देखा होगा कि कैसे लोग तस्करी करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं। कभी कोई विग में ड्रग्स में तस्करी करता पकड़ा जाता है, तो कभी कोई पेट में करोड़ों की ड्रग्स छुपा कर लाता है। मामला अंडरगारमेंट्स में भी तस्करी करने के सामने आए हैं, लेकिन कहते हैं चोर कितना भी चालाक क्यों ना हो, हमारी एजेंसियां उन्हें पकड़ ही लेती हैं। ऐसा ही एक और चौंका देने वाला मामला अब सामने आया है। मामला बताएंगे आपको, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि एयरपोर्ट से कितना सोना लाया जा सकता है। 2016 के अनुसार सभी पुरुष यात्री जो किसी देश में कम से कम एक साल से रह रहे हों, वो 20 ग्राम तक की सोने की ज्वेलरी पहनकर आ सकते हैं, लेकिन इस ज्वेलरी की कीमत 50,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी अगर कोई पुरुष 20 ग्राम तक सोना विदेश से लेकर आता है तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा। वहीं महिला यात्री 40 ग्राम सोना लेकर आ सकती हैं, लेकिन इसकी कीमत 1,00,000 से ज्यादा नहीं हो सकती। कम से कम एक साल से उसी देश में रहने वाला नियम महिलाओं और बच्चों पर भी लागू होता है। गौरतलब है कि यही एक नियम सिर्फ सोने की ज्वेलरी पर लागू होता है, सोने के बिस्किट, सिक्के या अन्य चीज पर नहीं। विदेश से आते वक्त कोई भी व्यक्ति 1 किलो तक सोना ला सकता है, इससे अधिक होने पर उनको 38% तक कस्टम ड्यूटी और जुर्माना भी भरना होगा। अब आपको बता देते हैं कि ताजा मामला आखिर क्या है। दरअसल ये मामला कोलकाता से बैंकॉक जाने वाली फ्लाइट को लेकर सामने आया है, जो पहले के मुकाबले और भी हैरान कर देने वाला है। ये मामला सोने की तस्करी का नहीं बल्कि डॉलर्स का है। डॉलर्स भी किसी सोने से कम नहीं है। आप ये वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो में होश उड़ाने वाला जैसा आखिर क्या है, इसमें तो बैग में गुटखे के पैकेट्स पड़े हुए हैं। दरअसल ये गुटखे के पैकेट्स है ही नहीं। आगे देखिए वीडियो में, जब गुटखे का पैकेट खुलता है तब उसमें से गुटखा नहीं डॉलर निकलते हैं। ये डॉलर कितने हैं ये सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आपको बता दें कि गुटखा पाउच के अंदर 40,000 डॉलर यानी कि 32,78,000 रुपए छिपाकर चोर ले जा रहा था, लेकिन कस्टम विभाग ने उसे धर दबोचा। अब आप इस खबर पर क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।